समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। बाहर अली गोल खिड़की स्थित साई कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई, इसकी शिकायत पीड़ित ने जिलाधिकारी से की है। अली गोल खिड़की के रहने वाले कश्मीर शाह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि वह साई कब्रिस्तान का कार्यवाहक है। मुतवली जो कि वक्फ नंबर 7 में दर्ज है, वक्फ की भूमि पर बने कब्रे। पीड़ित का आरोप है कि क्षेत्र में रहने वाले विपक्षियों ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने की नियत से जमीन का गड्ढा खोदकर पिलर खड़े करने का प्रयास किया है। मना करने पर वह लोग झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिससे वह लोग भयभीत हैं। जब मौके पर कब्जा करने पहुंचे विपक्षियों का उन्होंने वीडियो बनाया तो उसमें कुछ लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित चौकी की पुलिस से की। पीड़ित का आरोप है कि संबंधित चौकी इंचार्ज उनकी बात को नहीं सुन रहा है और विपक्षियों के दबाव में रहकर कार्य कर रहा है। चूंकि विपक्षी लोग सत्ताधारी दल के लोग हैं, पीड़ित ने आज जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा रोके जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? कश्मीर नाम है। कश्मीर कहाँ से आए? अली गोल खिड़की बाहर। क्या मामला है आपका? ये वक्फ कब्रिस्तान का मामला है। क्या अभी घटना बताएं? घटना ये है कि कुछ लोग जो है वहाँ पर मोहम्मद इजरान उर्फ अप्पू और उसके 3 लड़के और कुछ और लड़के जो है उनके साथ में आके वहाँ पर जो है गड्ढे पिलर खुदाई करने का काम करके बाउंड्री बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि हम थे दुकान पर, तो हमारे घर वालों ने हमें सूचना दी। हम जब वहाँ पहुँचे हमने उसका जो है विरोध किया तो पुलिस को बुलाया, तब जाके पुलिस द्वारा जब पुलिस आई तब जो उन्होंने शांत हुए, नहीं तो वो मारने पीटने पे आमादा थे। गाली गलौच माँ बहनों को जो है गाली गलौच, हमारे बच्चों को जो है गाली गलौच और मारने का प्रयास कर रहे थे, जिससे कि हमने खूब बचाया उनको, बच्चों को अपने, और उसका वीडियो भी हमारे पास में है। आज शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय DM साहब को की है। क्या चाहते हैं? हम जो है अपना जो है किसी प्रकार से कोई कब्जा ना हो और जो है हम मान के चलो अपना प्रयास ये चाहते हैं कि वो जगह सुरक्षित रहे।